हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सरोज कुमार। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल, मेरे साथ में इतनी स्वीट सी आंटियाँ ट्रेवल कर रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपका लाइक मुझे बहुत खुशी देता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम लोग महात्मा मंदिर जा रहे हैं और उसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे वीडियो के माध्यम से। महात्मा मंदिर हम लोग गए थे मॉर्निंग में, बट इसका जो ओपनिंग टाइम है वो है 10:30। तो आप भी ख्याल रखें, जब भी आप महात्मा मंदिर विज़िट करें तो आप 10:30 के बाद ही जाए। और इसका जो एंट्री फ़ी है वो है इंडियंस के लिए 10 रुपये और विदेशी फॉरेनर्स के लिए 200 रुपी इसका एंट्री फ़ी है। और एक बात, जब भी आप महात्मा मंदिर जाए तो टाइम के हिसाब से ही अपना ट्रिप प्लान करें, क्योंकि आपको वहाँ पूरा महात्मा मंदिर विज़िट करने में अराउंड 2.5 आवर्स लग जाएगा। जैसे कि 1.5 आवर तो आपको जो महात्मा मंदिर के अंदर शो है उसमें लग जाएगा। उसमें एंट्री आपकी स्लॉट वाइज होगी, जैसे कि 40-40 लोगों का ग्रुप में आप एंट्री करेंगे, 40 से ज़्यादा अंदर एंट्री नहीं होगी। और जब 40 लोग शो देखकर उनका टाइम ख़त्म होगा तब नेक्स्ट 40 लोग की एंट्री होगी। हम गए थे तो इसी टाइप का ये सिस्टम था, तो उस हिसाब से ही आप अपना प्लान करें। और दूसरी बात, महात्मा मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। और फ़ोटोग्राफी तो दूर की बात, आप अपना बैग भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं, आपको अपना बैग बाहर जमा करवाना पड़ेगा। आपको जो मंदिर के पास सीढ़ियां हैं ब्रिज की, उसके जस्ट नीचे सामान जमा करवाने का काउंटर है, वहां आपको जमा करवाना पड़ेगा। बैग जमा करवाने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस प्लेस में आप विज़िट करेंगे, आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। इतना सुंदर से इसको बनाया गया है कि शब्दों में इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस प्लेस पर जाकर। मैं वापस आई हूँ महात्मा मंदिर, क्योंकि सुबह में यहाँ पे बंद था इसलिए। तो चलो चलते हैं अंदर। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि अंदर में बिल्कुल फ़ोटोग्राफी मना है, तो हम सबको रूल फॉलो करना चाहिए। मैंने भी बिल्कुल अंदर की फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ नहीं किया है। और इस वीडियो के बारे में आपको अगर कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसका जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, यही था। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, अब आप इसका जो व्यू है अंदर का वो एंजॉय करें। थैंक यू। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, जैसे कि आपने देखा अभी हम लोग आ गए हैं अंदर, और अंदर का आप लोग देख रहे हैं व्यू। ये जो जिस शेप में ये बनाया हुआ है वो पिरामिड ऑफ गीज़ा की शेप में ये मंदिर को बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये स्विमिंग पूल टाइप से बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है। जब आप खुद आएंगे और देखेंगे तब आपको इतना सुंदर लगेगा। मतलब ये वीडियो के माध्यम से अभी आप देख रहे हैं, बट आप खुद एक वहाँ पे होंगे और वहाँ से अगर आप देखेंगे तब एक अलग टाइप का ही आपको एक्सपीरियंस होगा। अब आप इस व्यू को एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप गुजराती हैं तो फिर एक लाइक तो बनता है ना यार, तो प्लीज़ लाइक करें। गुजराती में रिक्वेस्ट करूँ मैं, अगर तमे गुजराती छो तो फिर लाइक आपो, सॉरी आधा गुजराती और आधा हिंदी हो गया, सॉरी सॉरी,
बट कोई नहीं, एक लाइक ज़रूर करना यार। आप एंजॉय करो अब व्यू को। अभी हम जा रहे हैं अंदर। गर्मी बहुत है यार गुजरात में। दिल्ली में जितना गर्मी होता है ना उसके हिसाब से 2-3 डिग्री यहाँ गुजरात में ज़्यादा ही रहता है गर्मी। मैं फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर दे रही हूँ वीडियो पे, सो प्लीज़ अगर कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। गलती हो जाए तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर देना। ये यहाँ पे एंट्री गेट था। यहाँ चारों तरफ ना मतलब शॉप लगे हुए हैं, आप यहाँ पे फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और गेट नंबर 1-2 ऐसे करके हैं और बहुत राउंड राउंड से ऐसे बनाया हुआ है, सेम पिरामिड ऑफ गीज़ा की तरह ही इसको शेप दिया हुआ है। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। और जैसे ही आप ऐसे आगे आगे जाएंगे, ये ऊपर में जहाँ आप देख रहे हैं ना ये सीढ़ियाँ, ये ऊपर जाने का, ऊपर जाएंगे तो वो ब्रिज जो है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जस्ट नीचे में ही काउंटर हैं जहाँ पे आप अपना बैग जो है वो जमा करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया ही है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत तो मुझे मेहनत लगी है, क्योंकि हमारा प्लान ही बिल्कुल गड़बड़ हो गया था। मैं मॉर्निंग के टाइम में हम लोग गए थे, फिर बाद में मॉर्निंग के टाइम में एंट्री ही नहीं हो रहा था, फिर हम लोग वापस चले गए थे, फिर सॉरी हम वापस नहीं गए थे, फिर हम लोग संत सरोवर डैम चले गए थे। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। हम लोग ऑपोजिट उतर गए थे, हमें कैब वाले ने डैम के ऑपोजिट उतार दिया था, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं आप, आपको अच्छा लगेगा ज़रूर वो भी, क्योंकि वो जो वहाँ का व्यू था वो बहुत ही अच्छा था। सॉरी मैंने ये वीडियो के अंदर आपको ये बता दिया, बट आप देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो कितना सुंदर है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये सारे शॉप हैं, यहाँ पर फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, कुछ ख़रीद सकते हैं। ये सारे शॉप थे लाइन वाइज, ऐसे शॉप ही शॉप है राउंड राउंड पूरा। तो आप इस प्लेस पे जब आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा प्लेस है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और अब जब आप लोग जाएंगे तो भी आप बहुत एंजॉय करेंगे इस प्लेस पे जाके। और जो अंदर में जो एक्सपीरियंस मतलब म्यूज़ियम का जो एक्सपीरियंस है ना, वो तो मतलब बहुत ही हाईएस्ट लेवल का होगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जब आप अंदर जाएंगे म्यूज़ियम के अंदर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा, इतना मतलब वो प्रोजेक्टर के हिसाब से वो मतलब शो दिखाया जाता है, आपको हेडफोन वगैरह मिलेगा, इतना अच्छा मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब ये रियल है कि ये फेक है, ऐसा आपको लगेगा, मतलब ऐसे ही एकदम रियल में आपको लगेगा कि महात्मा गांधी जी हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे तो आपको ऐसा ही लगेगा, फील होगा कि नहीं रियल में ये लोग बैठे हुए हैं और ऐसे वो कर रहे हैं। और आप जब मतलब जो शो के दौरान आप बिल्कुल भी मतलब बोरिंग फील ही नहीं करेंगे, इतना अच्छा आपको लगेगा, आपको लगेगा आप उसी में हो और उनके साथ साथ जर्नी कर रहे हो, तो इस टाइप का एक्सपीरियंस होगा। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें आप इस प्लेस पर। तो यही था, और इसका जो एंट्री फ़ी है ना वो 10 रुपये लगेगा, इंडियंस का 10 रुपये लगेगा और फॉरेनर्स लोग हैं उनका 200 रुपीज़ लगेगा। और ऐसे स्लॉट वाइज अंदर भेजते हैं आपको 40-40 लोग। और इसका जो आपका अंदर में टाइम लगेगा, टोटल टाइम लगेगा वो 1.5 आवर्स के आसपास आपका लग सकता है, तो उसके हिसाब से आप प्लान बना के आए। और मैंने अंदर का बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफी नहीं लिया है, अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउड भी नहीं है। और मतलब हमको सबको फॉलो जो रूल होते हैं ना वो फॉलो करने चाहिए। मतलब म्यूज़ियम जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है ना अंदर का, बहुत अच्छा रहा है, म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अंदर में, आपको मतलब ज़रूर है ना विज़िट करना चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छा है अंदर में, बहुत अच्छा। अभी मैं बताऊँगी नहीं ज़्यादा कुछ, बट बहुत अच्छा है, आपको मतलब बता देंगे तो फिर आपका वो ख़राब हो जाएगा पूरा, आपको खुद आना चाहिए और पूरा अंदर का वो देखना चाहिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।